हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एमडी हरिकेश मीणा के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलते हुए सरकार से स्थायी एमडी की नियुक्ति की मांग उठाई है। शिमला में हुई एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में बोर्ड के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और आगामी रणनीति बनाई गई। बैठक में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली की मांग को भी दोहराया गया। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि वर्तमान बिजली बोर्ड प्रबंधन की गलत कार्यशैली को लेकर आज एक डिटेल्स ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया है। जो सीसीएस पेंशन 1972 है उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के साथ 1974 में लागू हो गया था, गवर्नमेंट में सीसीएस पेंशन 1972 लागू 1974 में हुआ और स्टेट जो बिजली बोर्ड है वहाँ भी गवर्नमेंट के साथ साथ सीसीएस पेंशन लागू हुआ। जितने कर भी इसमें संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, सभी अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू किया गया, लेकिन अभी जो आपका पुरानी पेंशन के रिगार्डिंग जो संशोधन इसमें हुआ उसमें एक अनावश्यक देरी की जा रही है। आप कह सकते हैं कि अप्रैल में संशोधन हो चुका था लेकिन अप्रैल 24 साल बीत चुका है, अभी तक बिजली बोर्ड में संशोधन लागू नहीं हुआ। इससे क्या हो रहा है कि जो आज हमारे लगभग 6,650 कर्मचारी जो आपका एनपीएस का कर्मचारी है, जो आपका ओपीएस में आना है, वो उससे वंचित है। हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, ये जो आपका संशोधन है ये आपका इनेविटेबल है, लीगली आपको लागू करना पड़ेगा क्योंकि बिजली बोर्ड में सीसीएस पेंशन 1974 से लागू किया गया। आज जो देरी है, अगर आप इसको 25 में लागू करते हैं, 24 में लागू करते हैं, तब भी आपको 2003 से ही लागू करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। इस करके जो इसमें अनावश्यक देरी की जा रही है उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ही बढ़ेगी, लेकिन सरकार या बिजली बोर्ड को कोई फाइनेंशियल उससे बोझ नहीं पड़ेगा, ये हम कहना चाहेंगे। हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, उन्होंने कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट भी की है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। हम मांग करना चाहेंगे बिजली बोर्ड में शीघ्र जो पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इसके साथ हम कहना चाहेंगे आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। हम ये कहना चाहेंगे आज हमारे जो कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, आप हैरान होंगे सुन के, जो 23 का कर्मचारी रिटायर हुआ है उसको आपके वित्तीय लाभ जो रिटायरमेंट पे मिलते हैं अभी तक उसको नहीं मिले हैं। आपकी लीव इन कैश मेरे हिसाब से पेंडिंग है और जो ग्रेस्टी है, ग्रेस्टी की पेमेंट 6 महीने से पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जितने कर भी आपके क्लेम हैं, आपके एरियर्स हैं, दूसरे आपके TA बिल हैं, मेडिकल क्लेम है, हम कह सकते हैं और भी जो आपके ओवर टाइम के क्लेम हैं, सारे पेंडिंग पड़े हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करना चाहेंगे जो आज बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है उसमें मैनेजमेंट ध्यान दे और जो कर्मचारियों के क्लेम है उनको लिक्विडेट किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, हमने पहले भी ज्वाइंट फंड के माध्यम से बात कही थी कि जो ये फ्री का कल्चर है इससे जो स्टेट में जो आपके 125 यूनिट फ्री में दी जा रही है और उससे कहीं ना कहीं बिजली बहुत प्रभावित हुआ है। हम इसमें उस टाइम हमने ये कहा था कि जो नीडी है प्रदेश में, जो कंज्यूमर्स है जिसको 125 या उसको हो सकता है 200 या 300 के यूनिट की जरूरत हो उनको दी जाए, लेकिन हम कर्मचारी हम अधिकारी हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन आप हमें भी 125 रुपये यूनिट फ्री दे रहे हैं, मुझे लग रहा है स्टेट हित में नहीं है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हम जरूर कहना चाहेंगे जो नीडी है लोग उनको 125 नहीं, अगर उनको ज़्यादा यूनिट की जरूरत है उनको उसको बिजली को फ्री में दिया जाए, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है जो उनकी पेइंग कैपेसिटी है उन पे उनको रिव्यू किया जाए और इसको जो है फ्री का कल्चर उसको रैशनलाइज करो बिजली बोर्ड। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।